सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएल प्रमाण पत्र जो कि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में ईवीसी और बीसी कैटेगरी का जो बनता है उनके लिए यहाँ पे बिहार से मात्र 5 दिनों में कैसे हम यहाँ पे जो है अपना प्रमाण पत्र कैसे वेरीफाई करके अपना डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी पूरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही में आपको अप्लाई करने के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है ये भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं सर्विस प्लस RTPS 4 का ये वेबसाइट है और यहाँ पे जो नई वेबसाइट के माध्यम से अभी जो सारे दस्तावेज जैसे निवास, जाति, आय, जन्म प्रमाण पत्र, बिहार में जो आवेदन हो रहे हैं वो वाला ये वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद से इसमें साथ में लगता है फॉर्म 11E की यहाँ पे और यहाँ पे शपथ पत्र जिसे हम कहते हैं ये भर करके और यहाँ पे एनसीएल के समय यहाँ पे अपलोड होता है। साथ में यहाँ पे कौन से दस्तावेज लगते हैं आपको पूरी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला हो जाता है निवास प्रमाण पत्र हम यहाँ पे अपना लगाते हैं। उसके बाद से आय जरूरी होता है इसमें लगाना, जो कि आय हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट वाला होता है। जैसे कि अभी हमारा जो है 2023 और 24 चल रहा है तो इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो है आय यहाँ पे बना होना चाहिए, जो कि ये लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। 2023 और 2024 का हमारा जो आय बना होना चाहिए। निवास हमारा 1-2 साल पुराना भी होगा तो चलेगा, कोई इसकी ये नहीं है। और यहाँ पे जाति भी हमारा 1-2 साल पुराना होगा तो चलेगा। फॉर्म्स ये जो हमारा देख रहे हैं 11, तो ये हमारा जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो जैसे सर्विस प्लस की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में जहाँ पे लॉगिन का यहाँ पे देता है वहीं यहाँ देता है एक नागरिक अनुभाग, उसके नीचे यहाँ पे मिल जाएगा रिपोर्ट अनुभाग और उसके नीचे आपको मिल जाएगा स्वयं सहायता अनुभाग। इसी में हमको जो है नीचे आएंगे तो इसमें जैसे अब यहाँ पे मिल जाता है महत्वपूर्ण डाउनलोड, जैसे देख सकते हैं प्लस का आइकन है यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण डाउनलोड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म 11 मिल जाएगा, इसमें आपको फॉर्म 8 एक मिलेगा। लेकिन ये फॉर्म कैसा है तो इसको आपको जानना होगा कि ये फॉर्म जब हम एनसीएल सेंट्रल लेवल से आवेदन करते हैं तब ये फॉर्म लगता है, लेकिन जब वही हम बिहार स्टेट से बनवाते हैं तो ये फॉर्म हमें देना होता है, जो कि यहाँ पे इसका जैसे इस क्लिक करेंगे तो PDF हमारा यहाँ पे इसका मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है लॉग इन करके अपना, बाय द वे मान लेते हैं कि आपने अप्लाई करा है, आपको 2-3-4 दिन के अंदर जरूरत है तो उसका कैसे हम वेरीफाई कराएंगे, तो ये जो फॉर्म है देख रहे हैं ये फॉर्म और आप जो अप्लाई ऑनलाइन किए रहते हैं उसका रिसिप्ट, उसका एक ऑफिस कॉपी निकलता है तो ऑफिस कॉपी भी कैसे हम निकालेंगे, जो कि उस पर कर्मचारी जो आपके पंचायत समन्वय होते हैं, आपके पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं उनसे वेरीफाई कराना होता है तो किस पे होता है जिसे ऑफिस कॉपी कहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे उसकी भी हम जानकारी देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जैसे जाने कि ये फॉर्म 11th कहाँ से हमारा मिलेगा। और उसके बाद से हमारा लगता है यहाँ पे आधार कार्ड, इसमें फोटो मैंडेटरी नहीं होता है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे जो है लगाने होते हैं। आय हमारा इसमें लेटेस्ट होना चाहिए, बाकी निवास और जाति 1-2 साल पुराना होगा तो भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकम यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है 23-24 का वो हमारा यहाँ पे अप्लाइड होना चाहिए, जैसे कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए अगर आप उस आपके पास है तो, अगर अप्लाई किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नया अप्लाई करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कैसा प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से जाके फाइनली जो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। अब इसका जो है हम यहाँ पे ऑफिस कॉपी कैसे निकालेंगे उसकी जानकारी हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं करके हमें यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे स्टेटस चेक करने का बिहार ई सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे देंगे आवेदन प्रसंस्करण, यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे हमें एक नया लिंक मिलता है जो कि सेम लिंक होता है लेकिन लास्ट में हमारा ऑफिशियल यहाँ पे जुड़ जाता है /official पर जाए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नया वेबसाइट जो ओपन होगा, इसी का जो कॉपी है जो ओल्ड वर्जन है, नए वर्जन में ये आ गया है, लेकिन स्टेटस कोई भी चेक करना होता है तो यहाँ से हम आगे जो है चेक करते हैं। अब यहाँ इसमें हम जाएंगे लॉगिन में, लॉगिन करके जो हम जिस आईडी से अपना जो है आवेदन ऑनलाइन किए हैं वो यहाँ पे आईडी हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन जो है लॉगिन आईडी सेव है तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको यहाँ सिर्फ अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो डैशबोर्ड ऐसे ही ओपन होता है, बट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो सर्विस है यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे व्यू ऑल सर्विसेज पे तो यहाँ पे एरर आ जाता है। अब उसके नीचे हमारे यहाँ दिया हुआ है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इसमें हमारा है जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम जिस डेट में आवेदन ऑनलाइन किए होते हैं वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होता है। जिस डेट में हम मान लीजिए कि आपने 4 दिन पहले आवेदन किया है तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सितंबर में, ये अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में मान लीजिए 3 तारीख को या 4 तारीख को मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है
तो 4 तारीख का मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए कि सिर्फ अपना ही आप ऑनलाइन किया है तो 4 से 10 तक बीच, जैसे कि 5 दिन 6 दिन का अप्लाई मैंने यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस किया। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर डायल करके यहाँ पे गेट कर सकते हैं, तो भी आपका यहाँ पे जो है अप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ, तो इस डेट के बीच जैसे इस 6 दिनों के बीच जितना मैंने आवेदन करा है तो वो मेरे डैशबोर्ड में यहाँ पे इजिली रूप से सारा दिख जाएगा। देख सकते हैं जितना मैंने करा है सब यहाँ पे दिख जा रहा है। अब इसमें हमें क्या किस चीज़ की जरूरत है, तो एनसीएल की। तो एनसीएल जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी एनसीएल अप्लाई किया है क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर का दुकान भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एनसीएल जैसे कि यहाँ पे अंडर प्रोसेस में आ रहा है। जैसे सपोज मैंने 4 तारीख का आवेदन किया है और ये मिलना है 1 नवंबर को। अब देख सकते हैं 4 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया और 1 नवंबर को मिला है। अप्रोक्स 28 to 29 days जो है यहाँ पे लग जा रहा है। तो इतने दिनों में मान लीजिए कि 4 से 5 दिनों के अंदर जरूरत होगी, तो यहाँ पे अप्लाई करने के 1 दिन बाद, यानी कि मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 1 दिन बाद, मिनिमम 8 से 10 घंटे बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे और ये इस तरह का प्रोसेस आ जाएगा। जैसे अंडर प्रोसेस आ रहा है तो अंडर प्रोसेस वाले सेक्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टेटस एप्लीकेशन का जो है प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही प्रीव्यू होगा तो यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन सबमिनेशन व्यू। जो हमने एप्लीकेशन सबमिट किया उसका डिटेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू हो जाएगा। उसके साथ ही में देता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट और यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल। तो हमें क्या करना होगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाता है जो कि हमने सबमिट करा है। ठीक है, जो देख सकते हैं जो हमने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका यहाँ पे जो है प्रीव्यू हो जाता है। अगर रीप्रिंट करना होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके नीचे जैसे ही एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे तो इस पर एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यही होता है हमारा ऑफिशियल हार्ड कॉपी, जो हम यहाँ पे कर्मचारी से वेरीफाई करवाते हैं या ब्लॉक लेवल से ये प्रिंट हो करके और यहाँ पे कर्मचारी के पास जाता है और कर्मचारी वेरीफाई करके रिपोर्ट लगा के जो है आगे भेजते हैं। तो इस पे जो है वेरीफाई होकर के आगे का जो प्रोसेस है फाइनल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड वाले सेक्शन में हम चलते हैं और डाउनलोड जो हुआ है उस पर हम क्लिक करके आपको जो प्रीव्यू करते हैं, जो ये देख सकते हैं पीडीएफ हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और उसको प्रीव्यू करेंगे तो जो ऑफिशियल कॉपी है यहाँ पे इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंटआउट निकाल लेंगे, जो देख सकते हैं यहाँ पे सेव एक्सेप्ट, ये हमारा आवेदन जो है एप्लीकेशन डिटेल है। ये हमारा ऑफिशियल हार्ड कॉपी होता है जिसपे कर्मचारी जो है रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही ब्लॉक से निकल करके आपके कर्मचारी के पास जाता है जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसमें R1, R2, R3 होता है। उस प्रोसेस में मैक्सिमम जो है 15 से 20 दिन लग ही जाते हैं जो कि ये लंबा प्रोसेस होता है। और वही काम आप अपने स्वयं अगर आप इस प्रिंट आउट को निकाल करके अपने कर्मचारी के पास सबमिट करेंगे, जैसे कि ये रिसिप्ट और उसके बाद से जो आपने निवास जाति और फॉर्म 11 और इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड जो आपने लगाया है एनसीएल में, ये 5ों का जेरोक्स कॉपी और ये रिसिप्ट यानी कि 6 पेज के साथ अगर आप कर्मचारी के पास जाते हैं आवेदन के 24 घंटे के बाद, तो इसका जो है कर्मचारी वेरीफाई कर देते हैं इस पेज पे इस पीडीएफ पे जो मैंने आपको दिखाया और उस जो मैंने प्रीव्यू किया उसकी उस पेज पे जो है हार्ड कॉपी है उस पर वेरीफाई कर देंगे और उस वेरीफाई वाले पेज को साथ में ले जाके जो आपका आरटीपीएस काउंटर होता है उस आरटीपीएस काउंटर पे ले जाकर के जमा कर देंगे। ठीक है, उस आरटीपीएस काउंटर पे जमा कर देंगे तो आपका 24 से 48 घंटा में जो है आपका एनसीएल बन के तैयार हो जाता है। आपके आपने मेल आईडी जो दिया है, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पे जो है आपका मैसेज आ जाता है। यही एक सबसे आसान तरीका है जिसके इस तरीके से आप जो है 5 से 6 दिन मैक्सिमम जो है 10 दिन के अंदर अपना एनसीएल प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज जो अपडेट आप देख ही रहे हैं जैसे कि आवेदन जब हम लोग करते हैं तो आवेदन का कितना लंबा टाइम मिलता है, जैसे अप्लाई अपनी ये मान लीजिए कि 7 तारीख में हुआ है तो ये 4 नवंबर को मिल रहा है। गैपिंग जो है 27, 28, 29 दिन का ये जो है गैपिंग मिल जा रहा है। बीच में अगर 1-2 दिन ऑफिशियल छुट्टी हो जाता है तो यहाँ पे हमारा जो है मिलने का डेट जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह जो है अपना ऑनलाइन आवेदन करने के बाद से 24 घंटे के बाद इजीली रूप से आसानी से जो है आप अपना एनसीएल प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको देता रहूँ।